गाइस अपने व्यूअर्स के लिए हम स्पेशली लेके आए हैं 1.2 लीटर कापा इंजन की टेस्ट ड्राइव ऑफ वेन्यू फेसलिफ्टेड मॉडल। लॉन्चिंग के सेकंड डे ही इसकी ड्राइव इंप्रेशंस वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम चलाने जा रहे हैं Hyundai Venue Facelift 2022 मॉडल एंड दैट टू SX पेट्रोल टॉप मॉडल। आज हम इसका ड्राइव इंप्रेशंस आपके सामने लाने जा रहे हैं एंड दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको कैसी है गाड़ी चलने में, क्या चेंजेस आए हैं पहले वाली गाड़ी एंड अब वाली गाड़ी में, क्या चेंजेस आए हैं पहले वाले मॉडल एंड अब वाले मॉडल में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस कार की टेस्ट ड्राइव। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, दूर से तो आपको ये कार एक टाइगन जैसी जो है लुक भी देगी कि दूर से टाइगन खड़ी है। तो गाइस फर्स्ट इंप्रेशन, स्मूदेस्ट 1.2 लीटर इंजन, पेट्रोल इंजन, स्मूदेस्ट, वाकई बहुत स्मूथ है। एंड से क्लच में भी इनफ पावर है, अपने आप जैसे क्लच छोड़ते ही अपने आप जो है गाड़ी मूव हो रही है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें स्मूदेस्ट पेट्रोल इंजन है, बहुत ही बढ़िया। एंड बाकी सेम इंजन इसमें जो है यूज़ किया गया है जो कि मेरी i10 में है, जो कि 12 साल पुरानी 1.2 लीटर कापा इंजन, सेम इंजन इसमें आज भी आता है, बहुत ही रिलायबल इंजन है। एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको कि जो मेरा मैकेनिक है जो मेरी कार को सही करता है, उसने बताया मुझे कि एक बार जो उनके कस्टमर से, तो उन्होंने सेम इंजन को 5 साल बाद स्टार्ट करा था और एक ही सेल्फ में, सिर्फ बैटरी बदली और एक ही सेल्फ में 5 साल गाड़ी नहीं स्टार्ट करी थी, उन्हें 5 साल बाद गाड़ी स्टार्ट करी और एक ही सेल्फ में जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई। इतना रिलायबल और इतना जो है भरोसेमंद इंजन है इसका 1.2 लीटर कापा। एंड जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसको कोई तामझाम नहीं चाहिए, जिसको डे टू डे यूज़ चाहिए, अपना सिटी में रन चाहिए, उसके लिए बेस्ट इंजन है। और माइलेज की बात करें तो आप 15 to 16 एक्सपेक्ट करिए, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, 15 से 16 तक ही माइलेज देता है वाला इंजन। बाकी आप इम्प्रूवमेंट्स कर दिए हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एंड बाकी ये कार आप लेंगे, ये वेरिएंट लेंगे, ये इंजन लेंगे, इसकी स्मूथनेस की वजह से एंड इसकी परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी अच्छा फील है। बहुत लाइट स्टेयरिंग, बहुत लाइट क्लच, मेन बात है जो जर्क होता है ना पेट्रोल इंजन में फर्स्ट और सेकंड गियर यूज़ करने के बाद जो जर्क होता है वो इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो पावर जो इसके क्लच की है वो बिल्कुल डीजल इंजन के क्लच की जैसे पावर है। एंड अब थोड़ा सा रेफ करके देखेंगे कि इसमें एक्चुअली पावर जो है थोड़ी बहुत भी वो फील हो रही है कि नहीं। बाकी निकालता है 82 हॉर्स पावर, 82 BHP के आसपास निकालता है, पर ये है कि रिफाइनमेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट, बहुत तगड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। मेरे कार की जो स्मूथनेस है रिफाइनमेंट है और इस कार की स्मूथनेस रिफाइनमेंट में काफ़ी फ़र्क है। हालांकि वो छोटी कार है, वो थोड़ी लाइट वेट है, तो वो 0-100 इससे ज़्यादा तेज कर लेगी। 0-100 जाती है अप्रॉक्स 12.5 सेकेंड्स में। एंड इसमें सेम वही 5 गियर्स आते हैं। और इस इंजन की बात करूँ तो काफ़ी सालों से मैं इंजन ड्राइव कर ही रहा हूँ, तो इसके इंजन की मैं एक जो है खामियां और खूबियां बताता हूँ कि इंजन जो है अच्छा भागता है, अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन आफ्टर 3500 RPM इंजन थोड़ा सा वोकल हो जाता है, आपको जो है लाउडनेस और आपको फील हो जाएगा कि इसके बाद जो है गाड़ी को हम पुश कर रहे हैं। इसके गियर्स की बात करूँ तो गियर रेशियो बहुत बड़ा है, थर्ड गियर में ही आप इसको 140 तक लेके जा सकते हैं, वो टेस्टेड है, वो मैंने अपनी कार में टेस्ट कर रखा है। सस्पेंशन में कोई फ़र्क नहीं किया गया पहले वाली वेन्यू में और अब वाली वेन्यू में। बाकी सीट कंफर्ट में मुझे एक्चुअली में फ़र्क लग रहा है कि इसकी सीट कुशनिंग, इसका सीट कंफर्ट पहले की वेन्यू से काफ़ी बेहतर है। आदि मैंने 5th गियर और 5th गियर में ये बिल्कुल डल महसूस होगी आपको, लेकिन 70-80 तक आप जा रहे हैं कोई पता नहीं चलेगा कार चल भी रही है कि नहीं। ब्रेकिंग्स की बात करूं तो इसमें ABS आता है और ब्रेकिंग्स इसकी अच्छी श्योर फुटेड लग रही हैं, काफ़ी जो है ग्रिपी लग रही हैं। और जैसे अभी मैंने ज़्यादा इसे जो है हार्ड ड्राइव नहीं किया, ज़्यादा तेज नहीं भगाया, तो अभी 100 की स्पीड में भगा के देखेंगे इसकी ब्रेक कैसे काम करती है। 0-60 टैक करते हैं तो वही वाकई बहुत लाइट है इसका, एकदम एक उंगली से आप इसके स्टेयरिंग को जो है रेगुलेट कर सकते हैं। व्हील स्पिन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है आपको, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड, इसमें ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ट्रैक्शन कंट्रोल अब हमने ऑफ कर दिया है। फर्स्ट गियर 40, बाकी मैंने वही बताया कि इंजन इसका 3500 RPM के बाद थोड़ा वोकल हो जाता है, उसके बाद आपको लगेगा कि यार हम पुश कर रहे हैं। तो इस कार की स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए तो 120 तक जो है आपको बिल्कुल कार स्टेबल लगेगी, उसके बाद 140 तक आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ी सी गाड़ी अनस्टेबल हो रही है। गेयर बॉक्स की बात करें, बहुत स्मूथ शिफ्ट, स्लीक शिफ्ट,
एंड ह्यूंडई ने ब्रेक्स में अपने वाकई काम किया है। क्रेटा से, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्रेटा से मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है इसकी ब्रेक। अब हम थोड़ी सी स्पीड में करते हैं, देखते हैं ब्रेक्स इसकी परफॉर्म करती कैसी हैं। गियर्स लगाने में, क्लच दबाने में तो इतना मजा आ रहा है कि मन तो कर रहा है बस दबाए रखो दबाए रखो और चलते जाओ बस। हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग जो है 80 तक तो ठीक है इसकी, 80 की स्पीड में तो आराम से जो है इजी मनूवरेबल, इजी जो है शिफ्ट ले रही है, इजी हैंडल हो रही है, इजी टर्न ले रही है। लेकिन आफ्टर 80 तो है आपको थोड़ी सी हैंडलिंग में इशू लगेगा कि हाँ थोड़ी सी ग्रिप छोड़ रही है कार। तो ये गाड़ी जो है भगाने के लिए नहीं है, अगर आपको गाड़ी भगानी है तो यू कैन गो फॉर अ टर्बो वेरिएंट, डीजल वेरिएंट, वो थोड़े से हैवी भी हैं इससे। डीजल कार जो है थोड़ी सी हैवी है इससे, वो थोड़ी सी स्टेबल इससे ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी तो महसूस होगी क्योंकि वो भारी है थोड़ी। एंड ये सबसे हल्का जो है वेरिएंट है 1.2 लीटर पेट्रोल। अब 100 की स्पीड में कार टेस्ट करेंगे, ब्रेक टेस्ट करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट ब्रेकिंग है इस कार की। जो लोग हुंडई की ब्रेकिंग में प्रॉब्लम निकालते थे, मुझे खुद प्रॉब्लम लगती थी, लेकिन इस कार को चलाने के बाद आपको ब्रेकिंग में इशू लगेंगे ही नहीं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.2 लीटर पेट्रोल का। इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है एंड इसमें जो रैपिंग है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर मिलेगा, काफ़ी फंक्शंस मिलेंगे, एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी इसमें आपको, ज़बरदस्त फील कराती है आपको, रात को तो मज़ा आ जाएगा इस कार में बैठ के। और कार काफ़ी एक्चुअल में खुली लग रही है। जो बीच का ये जो डैशबोर्ड पैनल है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, और जो आप गैप देख रहे हैं नीज में और डैशबोर्ड में, काफ़ी अच्छा खासा गैप है, काफ़ी खुली खुली लग रही है। बाकी वाइट कलर डाल के तो मज़ा ही आ गया, ड्यूअल टोन करके तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली खुली हो जाती है। जैसे ना पेट्रोल इंजन में एक कमी होती है कि क्लच छोड़ के, जैसे सेकंड गियर डाल के आप क्लच छोड़ते हैं तो एक जर्क मिलता है आपको, वो काफ़ी कार्स में मैंने, न्यू कार्स में महसूस किया है, वो जर्क आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस लेवल का जो है स्मूथ इंजन कर दिया गया है 1.2 लीटर पेट्रोल। एंड इस कैटेगरी के जो पेट्रोल इंजन हैं हुंडई के, वो तो बहुत रिलायबल हैं, भरोसेमंद हैं। ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी चले जाओ आपको इसकी सर्विस मिल जाएगी, कोई भी मैकेनिक इसे इजीली सर्विस कर देगा। इस पर्टिकुलर इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 लीटर जो टर्बो है, वो नया नया इंजन है, उसकी बात फ़िलहाल नहीं कर रहा, वो अभी मैं नहीं चला रहा, वो किसी और दिन चला के इंप्रेशन जो है बताएंगे। जैसे मैंने कार की हैंडलिंग के बारे में आपको बताया कि कार की हैंडलिंग जो है वो इजीली जो है 80-90 में आप इजीली हैंडल कर सकते हैं इसे, लेकिन वंस यू गो आफ्टर 80 तो थोड़ी सी हैंडलिंग में आपको लगेगा कि यार गाड़ी ग्रिप छोड़ रही है। आप दूर से देख रहे होंगे कि क्या ब्यूटीफुल लग रही है कार आते हुए, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस कर दी गई है इस कार में। एंड इसकी बैक लुक देखिए, अब क्या जबरदस्त लग रही है, एकदम पोर्शे जैसी। इस कार की MID बहुत ही अच्छा फील करा रही है कार के अंदर, सेम Hyundai i20 में एंड वरना में आपको इस टाइप की MID मिलेगी। एंड सेम अब जो है वेन्यू में भी आपको जो अवेलेबल करा दी गई है Hyundai की तरफ से। गाइस ये गाड़ी वो लोग लेंगे जिनको एक ऊंची गाड़ी चाहिए, जिनको एक सोफेस्टिकेटेड गाड़ी चाहिए, जिनको एक बहुत ही ईजी टू यूज़ ईजी टू ड्राइव कार चाहिए, वो लोग ये कार लेंगे। कि जैसे i20 i10 में आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस उतनी नहीं मिलती, थोड़ा ऊंचा और कमांडिंग पोजीशन नहीं मिलती, तो वो लोग ये कार लेंगे। Hyundai के इंजन का भरोसा, Hyundai का भरोसा, Hyundai की रिलायबिलिटी, Hyundai की सर्विस, वो लोग इस कार के लिए जाएंगे। गाइस यही है आज के व्लॉग में, होप मैंने ड्राइव इंप्रेशंस अच्छे दिए हों, ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन, ईच एंड एवरी जो इस कार का जो ड्राइव रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आपकी पूरी कर दी हों। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो। जो लोग इस कार में इंटरेस्टेड हैं अपने फ्रेंड के साथ एंड अपने लव्ड वन के साथ, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड जो जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, नए कंटेंट के साथ, नई कार्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।